हमारे YouTube चैनल टीचर फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है मंडे, आज है आप लोगों के लिए मैथ की वीडियो। तो दोस्तों मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर डिस्कस हो रहा है अभी, तो आइए देखते हैं आज नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैथ लेकर डिस्कस करते हैं। तो पहला है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। दोस्तों इस इक्वेशन को हम कैसे इजीली सॉल्व करें? दोस्तों पहले देखो कि ये 6 को हम 2 × 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों 12 3 × 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 4 × 5 दोस्तों देखो 2 × 3 है 6, 3 × 4 है 12, 4 × 5 है 20, नेक्स्ट 5 × 6 है 30, देन 6 × 7 है 42, नेक्स्ट 7 × 8 है 56, एट लास्ट 8 × 9 है 72। दोस्तों जब ऐसे नंबर होगा तो इस टाइप्स ऑफ इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो है कि 1/difference ऑफ डेनोमिनेटर वैल्यू इंटू 1/1st वैल्यू माइनस 1/last वैल्यू। दोस्तों डिनोमिनेटर वैल्यू की मतलब है ये दोनों नंबरों के बीच जो डिफरेंस है उस डिफरेंस। तो यहाँ पर पहले 1/, यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू है 2 से 3 एक ज्यादा है, 3 से 4 एक नंबर ज्यादा है, 4 से 5 एक नंबर ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू होगी 1। तो 1 × 1 नेक्स्ट इनटू फर्स्ट ब्रैकेट 1/1st वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 2 माइनस 1/last वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर लास्ट वैल्यू है 9, तो 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/1 1 ही होगी इनटू नेक्स्ट। दोस्तों अब करना है कि 2 और 9 की एलसीएम, तो दोस्तों 2 और 9 की एलसीएम है 18, तो आप करना है कि इस नीचे के नंबर जो है उस नंबरों के साथ इस 18 को डिवाइड करना होगा, तो 2 से 18 को डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करके आपका आंसर होगी 9। फिर करना है कि 9 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर होगी 9 माइनस नेक्स्ट, या पर भी सेम 9 से इस 18 को डिवाइड करना होगा आपका आंसर होगी 2, नेक्स्ट 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका आंसर होगी 2। फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, 1 × 7/18, तो 7 × 1 यानी 7/18 ये हो गई है आपके आंसर, 7/18 हो गई है इस इक्वेशन के आंसर। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 .. 1/110 इसका आंसर क्या होगी? दोस्तों देखो यहाँ पर भी सेम 1 × 2 है 2, 2 × 3 है 6, 3 × 4 है 12, 4 × 5 है 6। दोस्तों यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू होगी 5 × 6, देन 6 × 7 प्लस देन 7 × 8 .. और लास्ट वैल्यू होगी 10 × 11। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, तो देन 5 × 6 होगी, देन 6 × 7 होगी, देन 7 × 8 होगी, देन 8 × 9 होगी, 9 × 10 होगी एंड एट लास्ट है 10 × 11। तो दोस्तों लास्ट नंबर है 10 × 11 जिसका वैल्यू है 110। अब करना है कि इस फॉर्मूला को याद करना होगा। दोस्तों यहाँ पर 1/difference ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू की डिफरेंस है 1,
क्योंकि 1 से 2 एक नंबर बड़ा है, 2 से 3 एक नंबर, 3 से 4 एक नंबर, 4 से 5 एक नंबर. दोस्तों दोनों नंबरों के बीच डिफरेंस है 1 नंबर, तो इसीलिए डिफरेंस होगी 1 इनटू 1 बाय फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस 1 बाय लास्ट वैल्यू है 11. तो 1 बाय 1 यानी 1 इनटू 1 और 11 को एलसीएम करना हो तो एलसीएम होगी 11. 1 से 11 को डिवाइड करना होगा, आंसर होगी 11. 11 से 1 को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका आंसर होगी 11. माइनस 11 से 11 को डिवाइड करने के काटने से आपका आंसर होगी 1. फिर करना है कि 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना तो आंसर होगी 1. नेक्स्ट 1 इनटू 11 माइनस 1 यानी 10 बाय 11 तो आपका आंसर होगी 10 बाय 11. हो गई है आपके आंसर. दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 42 प्लस टोटल 1 बाय 132. दोस्तों यहां पर भी सेम 20 को 4 इंटू 5 में ब्रेक करना होगा. नेक्स्ट 30 को 5 इंटू 6 में ब्रेक करना होगा. दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो कि मैं 20 को 1 इंटू 20 या 10 इंटू 2 में ब्रेक नहीं करके 4 इंटू 5 में क्यों ब्रेक करूं? क्योंकि दोस्तों 4 इंटू 5 में ब्रेक करने से हमें इस सभी नंबरों के बीच जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका डिफरेंस सेम मिलेगी. अगर आप यहाँ पर 1 इंटू 20 या 10 इंटू 2 ऐसे नंबरों के साथ ब्रेक करोगे तो आपको इस नंबरों के बीच जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको सेम नहीं मिलेगी, वो अलग अलग हो जाएगी. फिर आप लोगों को इस नंबरों के बीच जो लिंक है यानी 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 ऐसे लिंक आप लोगों को नहीं मिलेगी. तो ये आप लोगों को पर्सनल इंटेलिजेंस से ही आप लोगों को ये निकलना होगा. तो 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, नेक्स्ट 6 इंटू 7. दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है उसका वैल्यू है 7 इंटू 8, ये हम इजिली बोल सकते हैं. अगर आप उस तरीकों से ब्रेक करेंगे तो आप इस लिंक को नहीं पाओगे. तो नेक्स्ट 8 इंटू 7, ऐसा करके 132 है 1 बाय 11 इंटू 12. आए दोस्तों फिर सॉल्व करते हैं 1 बाई डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू. तो दोस्तों डिफरेंस है सभी नंबरों के बीच एक नंबरों की, तो 1 बाई 1 इंटू 1 बाई फर्स्ट नंबर. दोस्तों यहाँ फर्स्ट नंबर है 4, नेक्स्ट लास्ट नंबर है 12, तो 1 बाई 1 यानी 1. फिर करना है कि 4 और 12 को एलसीएम करना है तो दोस्तों एलसीएम होगी 12. 4 से 12 को डिवाइड करके आपका आंसर होगी 3. 3 से 1 को मल्टीप्लाई करके आंसर होगी 3. 12 से 12 को डिवाइड करने से आपका आंसर होगी 1. 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर होगी 1. 1 इंटू 2 बाय 12. 2 बाय 12 की मीन 2 से 1 गुना करने में होगी 2. 2 से 6 गुना करने में होगी 12. तो 1 बाई 6, 1 इंटू 1 यानी 1, 6. तो 1 बाई 6 हो गई है आपके आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 20 प्लस टोटल 1 बाई 72. दोस्तों यहाँ पर भी सेम, बट दोस्तों यहाँ पर देखो 9 जो है 6 से लार्ज नंबर और 6 से 9 से छोटा. बट यहाँ पर देखो 12 है 6 से लार्ज, 12 से लार्ज, फिर ऐसा करके 72 है 20 से लार्ज. बट यहाँ पर देखो 9 जो फर्स्ट नंबर है वो है 6 से लार्ज. तो ऐसे नंबरों को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 9 को 3 इंटू 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को 3 इंटू 2 में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों देखो यहाँ पर 2 है जो 3 से छोटा और ये दोनों नंबरों के बीच कोई लिंक भी नहीं है. बट दोस्तों यहाँ पर देखो अगर 1 बाई 9 को हम
हटा के जस्ट 1/6 से 1/72 को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 6 6 है 2 × 3, नेक्स्ट 12 है 3 × 4, 20 है 4 × 5, फिर ऐसा करके 72 है 8 × 9। यहाँ पर देखो सभी नंबरों के बीच एक लिंक है, तो हमें जस्ट 1/9 को हटा के 1/6 से 1/72 के आंसर को निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी 1/1 होगी क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू की डिफरेंस है 1 × फर्स्ट वैल्यू है 2 और लास्ट वैल्यू है 9, इसको निकालना होगा। 1/9 प्लस 1/1 यानी 1 × 2 और 9 की एलसीएम होगी 18, 9 × 2। दोस्तों देखो 1/9 प्लस 1 × 7/18, 1/9 प्लस 7/18। अब करना है कि 9 और 18 को एलसीएम करना होगा, तो 18 होगी 2 प्लस 7, 9/18 यानी 1/2, ये हो गए हैं आपके। दोस्तों और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/19 प्लस 1/110। दोस्तों देखो यहाँ पर भी सेम, 11 जो है 2 से लार्ज नंबर, यहाँ पर 2 से लार्ज 6, 6 से लार्ज 12, 12 से लार्ज 19, 19 से लार्ज 110। तो यहाँ पर भी सेम दोस्तों, 1/11 को छोड़कर हमें जस्ट 1/2 से 1/110 पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों 2 को हम 1 × 2 प्लस 6 को हम 2 × 3, नेक्स्ट 12 को हम 3 × 4 प्लस, दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है उसका वैल्यू होगी 4 × 5, फिर 5 × 6, ऐसा करके 1/9 × 10 यानी 19 प्लस 1/10 × 11। दोस्तों देखो यहाँ पर सभी नंबरों के बीच डिफरेंस है एक नंबर की, यानी डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू की डिफरेंस है एक नंबर, प्लस 1/1 × 1/1 है दोस्तों यहाँ पर 1, माइनस लास्ट नंबर है दोस्तों 11, 1/11 प्लस 1 × 10/11, तो 1/11 प्लस 10/11। तो दोस्तों 11/11 यानी आपका आंसर होगी 1। तो क्वेश्चन नंबर 6, 1/5.9 प्लस 1/9.13 प्लस 1/13.17 प्लस 1/61.65। दोस्तों देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ओ है पॉइंट में, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को करना है कि इस पॉइंट को मल्टीपल समझ लेना होगा, जैसे 5 × 9, 9 × 13, 13 × 17, 61 × 65। अब करना है कि देखना होगा कि इस नंबरों के बीच डिफरेंस क्या है। दोस्तों देखो सभी नंबरों के बीच डिफरेंस है 4, 4, 4, 4, तो हमें इजीली से इसको फॉर्मूला पे यूज करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला है 1/difference of denominator value। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है सभी नंबरों के बीच 4, तो
फोर इंटू वन बाई फर्स्ट वैल्यू, दोस्तों फर्स्ट वैल्यू है फाइव, तो वन बाई फाइव माइनस वन बाई लास्ट वैल्यू, दोस्तों लास्ट वैल्यू है 65। जस्ट ऐसे आप ऐसे मैथ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 65 13 माइनस वन यानी वन बाई फोर इंटू 12 बाई 65, तो 12 बाई इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, तो 3 बाई 65 ये हो गई है आपकी आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 1 by 2 into 5 plus 1 by 5 into 8 plus 1 by 8 into 11 plus dot 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 1 by 23 into 26। दोस्तों देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर पहले से ही ब्रेक हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना होगा कि दोनों डेनोमिनेटर के बीच डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों 2 से 5 3 नंबर की लार्ज है, 5 से 8 3, 8 से 11 3, 23 से 26 ये भी 3। दोस्तों सभी डिनोमिनेटर के बीच डिफरेंस है 3, तो हमें इसको इजीली फॉर्मूला पे फिलना होगा। तो 1 बाई डिफरेंस है 3 इंटू 1 बाई फर्स्ट नंबर है 2 इंटू 1 बाई लास्ट नंबर है 26। आपका आंसर होगी 12, तो इसलिए 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो 4 बाई 26, 2 से 2 गुना करने में होगी 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, यानी 2 बाई 13 ये हो गई है आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 7 बाई 3 की स्क्वायर इंटू 4 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 बाई 9 स्क्वायर प्लस सॉरी 9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगी और इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस स्क्वायर को हटा देना होगा, सिर्फ 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 9 इंटू 10 इस नंबरों को देखना होगा। जैसे 3 बाई 1 इंटू 2 प्लस 5 बाई 2 इंटू 3 प्लस 7 बाई 3 इंटू 4 प्लस 19 बाई 9 इंटू 10। आप करना होगा कि इस नंबरों में से डिफरेंस को निकालना होगा। तो दोस्तों डिफरेंस है एक नंबर, आइए अब हम इसको फॉर्मूला पे यूज करें। तो 1 इंटू 1 बाई 1 क्योंकि 1 बाई डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू है 1 इंटू 1 बाई फर्स्ट नंबर है 1, 1 बाई लास्ट नंबर है 10। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना है कि यहाँ पर 1 है स्क्वायर में, तो 1 की स्क्वायर होगी 1 और 10 है स्क्वायर में, तो 10 की स्क्वायर होगी 100। जस्ट इस स्टेप को आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट 1 बाई 1 टू 1, तो 1 बाई 100 यानी 100 माइनस 1, 1 इंटू 99 बाई 100, तो 99 बाई 100 ए हो गई है आपकी आंसर। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 बाई 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 9 बाई 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर टोटल 39 बाई 19 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर भी सेम, हमें स्क्वायर को छोड़कर जस्ट 5 बाई 2 इंटू 3, 7 by 3 into 4 plus 9 by 4 into 5 plus 39 by 9 into 24 याद करना होगा।
दोस्तों अब देखो इस नंबरों के बीच डिफरेंस क्या है। दोस्तों डिफरेंस है एक नंबर की, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो वन बाय द डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू है वन इंटू टू, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है टू, पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा टू है स्क्वायर में, तो टू की स्क्वायर है फोर माइनस वन बाई, यहाँ पर लास्ट वैल्यू है दोस्तों ट्वेंटी, ट्वेंटी भी है स्क्वायर में, तो ट्वेंटी की स्क्वायर है 400। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 400 100 माइनस वन, वन बाई 99 बाई 400, तो 99 बाई 400 ये हो गई है आपकी। दोस्तों आज की वीडियो है अब तक, और हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे में नंबर सिस्टम के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ लेकर। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी चैनल की नंबर सिस्टम के ऊपर जो जो वीडियो अपलोड किया है और अपलोड करूंगी उसको फॉलो करोगे तो नंबर सिस्टम चैप्टर आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए मत भूलना। बाय बाय।